एक बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा वार। सरकार ने किसानों के सपनों को तोड़ा है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सरकार बर्बाद कर रही है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर कहा, देश के किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसानों के सम्मान और हक के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो चौधरी चरण सिंह ने किया। तो उनके बताए रास्ते पर चलकर ही किसान खुश रह सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैसी सरकार भाजपा की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिस रास्ते पर आज भाजपा सरकार ले जा रही है, उससे किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा को समाजवाद समझने की ज़रूरत है, हमारी लड़ाई सिर्फ राज्य बचाने की नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की है, बीजेपी इन संस्थाओं पर हमला कर इन्हें तबाह और बर्बाद कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का समाजवाद क्या है, उसे उन्हें समझना होगा, क्योंकि सवाल केवल प्रदेश को नहीं बचाना है बल्कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन सबको बर्बाद कर रही है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। देश के किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और आज़ादी के बाद किसानों के हक और सम्मान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया था तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के ही किसान खुशहाल हो सकता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि देश की खुशहाली गांव से है, खलियानों से है, और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तब तक समाज और देश तरक्की नहीं कर सकता। और आज जब हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले जा रही है, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया और उस संघर्ष में उनको वापस कराने में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की और जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की। और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में किसानों ने देखा कि किस तरीके से थार किसानों पर चढ़ा दी गई, अभी भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए आज के दिन जब हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं तब ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगी।